वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो और ये रीडिंग है जनवरी के फर्स्ट वीक की। तो चल देखते हैं कि आपके लिए नया साल कैसे स्टार्ट होने वाला है इस वीक के साथ। मैसेजेस फॉर लियोस। द लवर्स, Two of Wands, Eight of Challenges, Seven of Challenges, Child of Challenges, and Four of Spells. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ चैलेंजेस। एट ऑफ चैलेंजेस के साथ इस फर्स्ट वीक में आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ सा नज़र आ रहा है मुझे। इस पर्सन को लग रहा है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पता नहीं उन्हें कि वो क्या करें इस पॉइंट पे। क्या वो उन लोगों की सुने जिनके साथ वो हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ वो एक बहुत लंबा कनेक्शन शेयर करते हैं, बहुत डीप कनेक्शन शेयर करते हैं। यह हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल जो आप दोनों के बीच है किसी वजह से, उसकी वजह से ये क्या करें ये समझ नहीं पा रहे एंड काफ़ी बुरी तरह से फंस गए हैं ये अपने दिल और दिमाग के बीच में। दिमाग कह रहा है कि इन्हें उन लोगों की सुननी चाहिए जो यू नो इनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, जो इन्हें अब तक नरिश करते आए, जो इन्हें अब तक कह सकते हैं संभालते आए, इनका ख्याल रखा। एंड इसीलिए आपके पर्सन कुछ कह नहीं पा रहा। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी खुशियों की बात करेंगे या वो अपने लवर के साथ स्टैंड करेंगे तो एक तरीके से अनग्रेटफुल होंगे इन लोगों की तरफ, और ये ऐसा करना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ऐसा करने से। और एक सच ये भी है कि ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इनके जीवन से कहीं जाएं। आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें ये पता है कि आपने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। और जहाँ तक बात रही शुरू से जर्नी की, तो शुरू से आपके बस में नहीं था इनके साथ जीना या जीवन बिताना। आप जब इनके लाइफ में आए उसके बाद से आपने इनको ये दिखाया कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है या ब्लड से कनेक्टेड नहीं है, वो भी इतना केयरिंग एंड लविंग हो सकता है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ भी अच्छा नहीं करेंगे अगर वो चूज़ करते हैं दूसरे लोगों की बातें सुनना, क्योंकि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, आपको इस रिलेशनशिप में लेके आए हैं, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, अगर आप दोनों लवर्स हैं तो उन्हें अपनी बात को रखना चाहिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। ऐसा ना करना इनजस्टिस होगा। इस पर्सन को लगता है कि अपने मन की करके ये कोई ना कोई इनजस्टिस जरूर कर बैठेंगे किसी ना किसी के साथ। इसलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग सकता है आपको इस वीक में। आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ ज्यादा परेशान है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें आपको बताएंगे, ओके, कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पीछे क्या डिस्कशंस हो रहे हैं इनकी और इनके फैमिली मेंबर्स के बीच। पर द लवर्स के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा बहुत स्पेशल लगता है। इन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है एंड आप ब्यूटीफुल लवर्स हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता एंड कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को भी ना लूज करना पड़े जो इसके अगेंस्ट है। वो डेफिनेटली चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि इन लोगों का जो माइंडसेट है वो बदले इस रिलेशनशिप को लेके। एंड सेवन ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है यहाँ पे। आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है और कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, आपको पता नहीं है पर प्रोग्रेस कर रहा है। आपको लग सकता है कि चीज़ें प्रोग्रेस करना बंद कर चुकी है एंड आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पे कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता या कुछ भी आगे बदलने नहीं वाला। पर टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ समय के लिए वेट कीजिए, क्योंकि आपका ये जो पर्सन है वो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है।
ये पहली बार नहीं हो रहा कि उनके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं. हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हैं उनके लाइफ में हाल में या बचपन से लेके अभी तक कई सारे चैलेंजेस आए हों, एंड उन सारे चैलेंजेस को उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया है. तो भले ही थोड़े परेशान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन चैलेंजेस से भागेगा नहीं. ओके, ये पर्सन उनको फेस करेगा. एंड इनफैक्ट मैं फोर ऑफ स्पेल्स के साथ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है. ये अपना फ्यूचर आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक ये सपना ये छोड़ने वाले हैं. ये ब्यूटीफुल सपना ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही वो सपना है जिसके लिए वो इतने लंबे समय तक जी रहे थे. ओके, जैसा कि मैंने कहा कि इनके लाइफ में पास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस आए हो सकते हैं. ये हमेशा ही अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहे या चैलेंजेस से डील करते रहे, और उनका ये ड्रीम था कि उनका भी कोई लवर हो, ऐसा लवर जो कि ट्रस्टेबल हो, रिलायबल हो, जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करें, एंड उसके साथ वो अपने सारे शौक पूरे करें, ड्रीम पूरे करें. एंड अब वो लवर है, वो लवर तो उन्हें मिल गया, पर अब उन दोनों लवर्स का फ्यूचर में कमिटमेंट करना एक चैलेंज है. पर उस चैलेंज को ये पर्सन लेगा, एंड उन चैलेंजेस से ये भागना नहीं चाहते. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसकी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Seeker of visions, nine of spells, the wise woman, and keeper of challenges. तो हमारे पास है seeker of visions. Seeker of vision के साथ life में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने expect नहीं किया. इस first week में आप देखेंगे कि ये person आपसे काफी प्यार जता रहा है. आपके पीछे भले कितनी भी टेंशन हो इस रिलेशनशिप को लेके, इनके और इनके फैमिली मेंबर्स के बीच, ये पर्सन फिर भी वक्त निकाल ही लेगा आपसे बात करने का. एंड लव एंड रोमांस इनके लिए जरूरी है. इन्हें पता है कि अगर ये भी इनके लाइफ में नहीं रहा तो फिर लाइफ वाकई ही बहुत ज्यादा बोरिंग और बर्डन बन जाएगी. यहाँ भी हमारे पास है नाइन ऑफ स्पेल्स. नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ एक सर्कल है जो इन्होंने ड्रॉ कर लिया है अपने आसपास. यानी ये पर्सन इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है. ये पर्सन इस वक्त एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहता है. ये पर्सन ज्यादा दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहता. तो मुझे लग रहा है कि इस वीक में ये पर्सन बहुत कट ऑफ रहेगा दूसरे लोगों से. एंड जब भी उन्हें वक्त मिलेगा वो आपसे बात जरूर करेंगे, एंड कोशिश करेंगे थोड़ा पीस खोजने की अपने लिए. द वाइज वुमन का कार्ड है यहाँ पे. डेफिनेटली इन्हें कोई गाइड कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो इन्हें काफी अच्छी एडवाइस देगा. ये पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात सुन रहा हो सकता है जो इन्हें समझता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को समझता है. तो ये जो पर्सन है ये आप दोनों को साथ लाने की कोशिश जरूर करेगा. एंड हमारे पास है कीपर ऑफ चैलेंजेस. कीपर ऑफ चैलेंजेस के साथ सब कुछ कंट्रोल में ही है. इस पर्सन के कंट्रोल में सब कुछ है, और ये पर्सन जानता है कि वो चाहे तो चीजों को बदल सकते हैं. और एक और चीज वो समझेंगे इस वीक में, वो ये कि वो सबको खुश नहीं रख सकते चाहे वो जितनी भी कोशिशें कर लें. तो उन्हें एक डिसीजन तो लेना होगा. तो इस पर्सन का एक मैच्योर अप्रोच नजर आ रहा है इस वीक में, एंड आप ये चेंजेस आते हुए देखेंगे. ओके, हालांकि इतने सारे चेंजेस के लिए एक सप्ताह काफी नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ चेंज आप जरूर नोटिस करेंगे. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल फ्री हैं वो करने के लिए जो आप चाहते हैं. आप जो भी करेंगे यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, आपके स्पिरिट गाइड से श्योर करेंगे कि आप सेफ रहें,
चैलेंजेस हर किसी के लाइफ का हिस्सा होते हैं, तो चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ से घबरा जाए या ये समझे कि हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, इन चैलेंजेस से बचाना ही आपके हायर सेल्फ का काम है और वो आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल देंगे सेफली। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।